झारखंड के नंबर वन यूट्यूब चैनल आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रवीण सिंह। झारखंड में जदयू खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है और इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं, तो हम जानते हैं सबसे सर जदयू को राज्य में मजबूत करने के लिए क्या किया जा रहा है। विचारधारा तो है, समाजवादी विचारधारा के हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार पूरे देश के प्रति विचारधारा होने के कारण लोग हैं, उन पर जरूर को समझने वाले जानने वाले लोग हैं और नेशनल रूप में इतने प्रयोग हुए हैं यहाँ पर, जिसके कारण रचनात्मक स्थिति में देखा जाए तो आज जल्दी कमजोरी स्थिति में फिर हम एनडीए के भी पार्ट है। हमारी कमजोरी के कारण एनडीए हमको झारखंड में एक रखता है, दृष्टिकोण से हम इस स्थिति में जरूर आना चाह रहे हैं कि एनडीए हमको अपना सहयोगी समझे या अपना भाई समझे और इसके लिए जदयू कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो मुद्दे हैं विस्थापन का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, ये सब मुद्दे हैं, लेकिन जदयू का अपना मुद्दा क्या है और जो समस्याएं 20 साल में नहीं सुलझी झारखंड के अंदर किसी भी सरकार में कहा जाए तो एनडीए ज्यादा समय तक सरकार में रहा लेकिन समस्याएं नहीं सुनी, बल्कि और उलझती चली गई और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हुए उसके कारण जो स्थानीय लोग और हसीये पे गए उन सब बातों पर हम गौर कर रहे हैं और जब जैसे संगठन करना चाहूँगा तैयार होगा तो एक अवेयरनेस का प्रोग्राम जनजागरण करने का कार्यक्रम सबसे पहले जल्दी झारखंड में करेंगे और किसी भी पार्टी की जो लीडर होती है वो कार्यकर्ता होते हैं तो क्या कोई सदस्यता अभियान चलाने का भी पार्टी का इरादा है। देखिए पार्टियां दो तरह से चलती हैं, एक कार्यकर्ता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नाम लीजिए या पुराने कांग्रेस का नाम लीजिए, वो कार्यकर्ता उसके लीड हुआ करते हैं, उसमें कोई शक नहीं। एक नेता का जनाधार भी होता है, अगर हिंदुस्तान को देखिएगा तो हिंदुस्तान आज से निजाम के जमाने से ही जनाधार पे प्रदेश में रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे महात्मा गांधी को भी आप ले लेंगे तो एक व्यक्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण रहा है, बसते कि वह व्यक्ति समाज के लिए बहुत काम किया है। तो अगर व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो जदयू के पास व्यक्ति है, नेता है, अब वो उनके विचारों को उनके द्वारा किए गए कार्यों को इस तरह से झारखंड में लोगों तक पहुंचा सकते हैं और एक राजनीतिक दल होने के चलते हम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कितना लड़ सकते हैं, कितना जूझ सकते हैं, कितना आंदोलन कर सकते हैं। नेचुरली विपक्षी दल होने के नाते हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कुछ उसके लिए अपने पैरों पर खड़े होकर उसके लिए कुछ बोल भी सकते हैं तो हमारी उपलब्धि रहेगी और हमारा पार्टी ने हाल ही में उनके नेतृत्व में क्या बदलाव संगठन को देखिए किसी के नेतृत्व नेतृत्व करता है अगर जिद्दी नहीं हो, सबसे मिलजुल के सबका सहयोग लेके सबके सुझाव लेके अगर काम करने का प्रवृत्ति में रहता है तो संगठन बढ़ता है और जदयू के साथ एक त्रासदी रही है कि अभी तक जो भी नेतृत्व दिए यहाँ पे उन्होंने अध्यक्ष बनाए एक तो अपने पैरों के नेतृत्व पर भी खड़ा होने का प्रयास नहीं किया और बैसाखी के सहारे जदयू आज तक झारखंड में चलता रहा, अब वो अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा है और जदयू कितना सीरियस है इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी स्थानीय व्यक्ति कभी किसी स्टेट का प्रभारी नहीं होता, राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हैं स्टेट का प्रभारी लेकिन अलग अलग स्टेट के होते हैं दूसरे स्टेट के होते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, उनको प्रभारी बनाया तो यही सोच के बनाया है कि जो झारखंड को जानने वाले लोग हैं अच्छे लोगों के हाथ में पार्टी झारखंड में मजबूत हो इसके लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है। इससे आप कह रहे हैं कि स्थानीय होने के नाते आपको यहाँ के परिवेश की ज़्यादा बेहतर जानकारी है, आप उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझते हैं, लेकिन वो ब्लूप्रिंट क्या है इससे ब्लूप्रिंट है ना। सबसे पहले तो हम काम किसके लिए करना चाहते हैं, तो इसलिए जो अंतिम व्यक्ति पे जो व्यक्ति पंक्ति पे जो बैठा है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लिए हमको इन पंचायत तक पहुँचना पड़ेगा, चाहे पंचायत में हमारा एक ही व्यक्ति खड़ा हो लेकिन पहले उनको पंचायत तक पहुँचना पड़ेगा और उसको गांव तक पहुँचना पड़ेगा। तो ठीक है कि झारखंड में 32,000 के
थोड़े से ज्यादा है, 32,000 हमको गाँव तक पहले पहुँचना था कि हम वहाँ की समस्याओं को पहले अपने तक लाएं। और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे बहुत से हैं, बहुत जो आज़ादी के काल से चले आ रहे हैं, और कुछ ऐसे नए मुद्दे हैं जो जिसके कारण गांव में आपस आपसी गठबंधन फैल रही है, आपस में द्वेष फैल रहे हैं, ऐसे मुद्दों को उठा के हम अपनी बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं। और अगर सरकार में कभी भागीदारी मिलेगी तो निश्चित तौर पर उसका समाधान करेंगे। इस मतलब यही हमारे पास आजाद सिपाही से बात करेंगे।